सही है सही है। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 6:38 हो रहे हैं ना, और जिस सरप्राइज की मैं कल बात कर रही थी वो ये है कि आज मैं आप लोगों को कहाँ ले चल रही हूँ पता है? मैं नहीं, हम कहाँ ले जा रहे हैं? हम ले जा रहे हैं राम जन्मभूमि। बहुत टाइम से हमारा मन भी था और इस बार तो मतलब इस बार तो बनता ही है जाना भाई। तो चलो बिना देर के आपको हम सीधा वहीं पे मिलते हैं। ये देखिए रात में कितना जगमगा रहा था। अभी सब पैक पैक हो रहे हैं माता जी शेर। ये ITI है भाई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अयोध्या, और ये मेन मंदिर परिक्रमा परिसर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से पांच कोसी की यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पांच कोसी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होती है श्री राम की पैड़ी देखिए, और अयोध्या का जो मेन सेगमेंट है यहीं से स्टार्ट। देखिए कितनी योगी जी के आने के बाद से कितनी सिक्योरिटी हो गई है यहाँ पर। कार से कहाँ तक जा सकते हैं? कार से अब देखिए ये साकेत टेंपल के बाद एक श्रेष्ठनाथ मंदिर आएगा, तो उसके बाद हम थोड़ी दूर जाएंगे, वहाँ पार्किंग बनी हुई है, उसके बाद ई रिक्शा लेंगे हनुमानगढ़ी तक। हनुमानगढ़ी मतलब अभी के लिए नवरात्रि, अब हमेशा अभी अंदर कार, अब पहले जैसा बदल गया है, काफी बदल गया है। मुझे भी मतलब मेरे लिए भी नया है। पापा जी हमारे मतलब ये साकेत यूनिवर्सिटी आने वाली है, इसके बारे में मुझे KBC में पता चला था कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके सामने ट्रेन रुकती है जहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है। अच्छा, हाँ बच्चों के लिए, कि बच्चे हाँ। दूर इलाकों से आते हैं बिना स्टेशन के, बिना स्टेशन के कहाँ स्टॉपेज है, चाहे कोई भी ट्रेन है तो वो यूनिवर्सिटी के सामने रुकती है, वो साकेत यूनिवर्सिटी है। देखिए ट्रैक यहाँ सामने है, सामने ट्रैक और उसी के सामने अभी यूनिवर्सिटी आने वाली है। ये रही साकेत यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप जाएंगे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा टेढ़ी बाजार। कौन सी बाजार? टेढ़ी बाजार। ठीक, टेढ़ी बाजार से फिर आप गाड़ी मुड़ जाएंगे। ये हमारे भाई लोकल गाइड, ये चलो बाय कर दो बच्चे को। ये बच्चे ने हमें पूरा रास्ता बता दिया, उधर पुलिस वाले ने रास्ता रोक रखा हुआ है। राम जी जैसे आए ना मिस्टर सिंह, धोती कुर्ते में बिल्कुल। बच्चे का पेपर था, आज एग्जाम है गुरुकुल में। बिल्कुल। लग कैसा रहा आपको? लग तो बहुत गजब रहा है, मतलब क्या बताऊं। सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के हम लोग फटाक से निकल लिए कि नहीं भाई यहाँ तो जाना है, भाई यहाँ तो जाना है, पर लेकिन जिस हिसाब से सिक्योरिटी ने हमको इधर उधर घुमाया ना, आपको इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना है। हनुमान, श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। फोन हम मतलब शायद पता नहीं अंदर अलाउ होगा कि नहीं। जय बजरंगबली। दर्शन करके वापस इधर से निकलोगे? राजा दशरथ का मंदिर। हाँ, ये राजा दशरथ जी का मंदिर, इसको लौटने के बाद देखकर सीधा इसे बाहर निकल चलेंगे। अभी ये राम जन्मभूमि का पहला दरबार, लक्ष्मण जी मंदिर। ये राम सीता का चरण पाद का है, रथ यात्रा निकाला जाता है। अच्छा, यहाँ से परिक्रमा करके ले जाते हैं? 84 कोस का जो परिक्रमा है, रथ यात्रा में निकाल कर उसको परिक्रमा किया जाता है, इसके बाद यात्रियों का फिर परिक्रमा चालू होता है। सामने से नमस्कार करके सीता राम मूर्ति से 2 बार परिक्रमा आप लगा।
कर जाते हैं, अयोध्या में कभी भी आते हैं तो रहने ठहरने का धर्मशाला बड़े महाराज जी फ्री देते, आजीवन घर बैठे प्रसाद गुरु जी भेजते रहते। एक शिला दान देना, एक सोने का मंदिर बनवाने का फल मिलता, शरीर मिट जाता, नाम नहीं मिटता, नाम को कौन खा सकता। माता पिता का नाम भगवान के चरण में हमेशा के लिए लगा रहता। हरियाणा, पंजाब, नेपाल, विदेश, हर जगह के राम भक्त अपने माता पिता के नाम से एक शिला दान देकर जाते, एक राम मंदिर बनवाने का सौभाग्य उनको मिलता है। पहले के राजा महाराजा थे, मंदिर बनवाते थे, अब मंदिर कौन हो सकता। इसीलिए एक शिला दान देना, एक राम मंदिर बनवाने का फल उनको मिलता है। बोलो राम शिला की जय। इसी में सब मुनि भेंट किया कि जब अग्नि दोता खिल कर प्रगट हुई, तीनों महारानियां खीर खाई, चार भाई का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आपके कई बेटे? एक बेटी। एक भी नहीं अभी। इसे सीता राम तो से एक बार अभी सीता बारिश में गिर गई। अच्छा, सीता मैया का रसोई घर। बोलिए सीता माता की जय। यही है सीता मैया, जब जनकपुर से शादी करके लाए थे रामचंद्र जी ने, तो सीता माता का डोला पालकी यहीं पर उतारा गया था। तो सीता माता ने जो अन्नपूर्णा माता जी को काशी से बुलाई, जो अन्नपूर्णा माता ही भगवान को यहाँ पर 56 प्रकार का भोग लगाई, तो सीता माता ने सबको अपने हाथ से भोजन दिया। केकई मैया को पहला था दिया, जो केकई मैया ने भोजन करने के बाद मुँह देखा, मुँह देखने के बाद कनक भोग दिया। सुमित्रा माता ने नौलखा हार दिया, कौशल्या माता ने मणि की अंगूठी दी। दशरथ जी की बारी आया तो सीता माता बोल पड़ी, पिताजी मेरे पास धन दौलत बहुत है, हमको ऐसा चीज जिस संसार में मेरा नाम हो। तो दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। जब वो पहले राम राम कहते थे, मेरे बेटे के नाम लेते थे, अब मेरे बेटे का नाम नहीं, पहला आपका, इसके बाद मेरे बेटे का नाम, तभी सीता राम का नाम चला था। सामने खड़े होकर अपने मन में सीता राम का 2 मिनट जाप कर लेते सही है, सही है। जय श्री राम। जय श्री राम। पापा आ गए, विशु पापा भी दर्शन करके आ गए। वो देखो पापा हो गया। चलो भाई, फोन वगैरह अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो बाहर ही बहुत सारे लॉकर रूम मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इसको जमा करके फिर अंदर जा सकते हो। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, पर लेकिन बहुत अच्छा लगा सुष्मिता जी। अच्छा, रामलला को हमने पहली बार, मतलब पहले तुमने इसमें बस टाट टाट पट्टी जो होती है ना बिछा के रखते, उसमें से लकड़ी की, उसमें अच्छा देखा, इतनी रोंगटे ही खड़े हो गए थे मेरे तो, इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई क्या बताऊँ मैं। ये देखो क्या ले जा रहे हैं हम घर के छत के लिए, कहाँ दिख नहीं रहा है ये। चलो भाई, हमारा अयोध्या बदल रहा है, ऐसे झांकियां भी बहुत है रास्ते में, मिलेंगे आपको उधर देखने को, और लग रहा है कि मतलब धीरे धीरे ये भी अच्छा और अच्छा हो जाएगा। चलो जय श्री राम। जय श्री राम। चलो फिर, होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दर्शन के बाद जब घर की ओर निकल रहे थे तो रास्ते में ये हनुमान जी की झांकी जो जगन्नाथ टेंपल द्वारा निकाली जा रही थी, उसके भी दर्शन मिले और वो भी काफी अच्छा लगा हमें देख के।